हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुणाल बोल, तुझे लंच में आना है क्या? कुणाल, कुणाल क्या हुआ? ऐसे क्यों? हेलो कुणाल, क्या हुआ? मर्डर की रिपोर्ट लिख। मर्डर? किसका मर्डर कुणाल? और कहां पर हो गया? हाँ यार, जरा ठीक से बताओ तो सही। मेरा क्या? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? चेस्ट पर भारी प्रेशर आने से हार्ट पर बहुत ही भारी प्रेशर आया हुआ है। ठीक से ब्रेन को ब्लड भी नहीं मिल रहा है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन पेशेंट इज इन सीरियस कोमा। डॉक्टर साहब, लेकिन वो होश में तो आ जाएगा। एक्चुअली सविता, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको? सॉरी बट पेशेंट कोमा में है। बच तो जाएंगे ना? मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ऐसी हालत में दो चार दिन या दो चार घंटे कुणाल का कोमा से बाहर आना मुझे आसान नहीं लग रहा है। एक्सक्यूज मी। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? सविता, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो सच कहूं तो कुणाल की हालत अच्छी नहीं है, फिर भी ठीक हो जाएगा। मेरी गलती है सब कुछ, मैंने कुणाल का ध्यान नहीं रखा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे
आज कुणाल इतने सालों से क्राइम जर्नलिस्ट रहा है, उसको तो इन सब बातों की आदत है। अरे मैं इतने सालों से जानता हूं उसे, वो सदा हंसते खेलते रहता है। अभी पिछले हफ्ते तो मेरे घर आया था। चक्के देख लिया, ठीक हुआ क्या नहीं? चल यार, बहुत भूख लगी है, तो हर चीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन मत किया कर। चल भैया, तुझे खाना खाने के लिए बुलाया तो फिर ठीक होना चाहिए ना सब कुछ। बैठ बैठ, भी तो बैठो यार। भाई कमाल है, में होके भी क्या कमाल का खाना बनाते हैं। अच्छा चल बता, कौन सी सनसनी खेज वाली स्टोरी पे काम कर रहा है तू? अरे वो तुम्हारी वाली, वो जो लड़की है जिसको धक्का दे दिया था बिल्डिंग के ऊपर से। ओ, एक हफ्ता रुक जा, तुम्हें तुम्हारा क्रिमिनल मिल जाएगा। अब मुझे मेरी स्टोरी है। शाबाश। लगता है बहुत बड़ा हाथ मारा है तूने कहीं पर। अरे गुरु, कई साल बाद ऐसा केस हाथ लगा है। अच्छा? हाँ। बताना फिर। बताऊंगा बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, ये टेंशन की वजह से नहीं हुआ है, ये टेंशन की वजह से नहीं हुआ, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। आपको पता है कुणाल जी किस स्टोरी पे काम कर रहे थे? वो कभी भी काम की बात घर पे नहीं करते थे, लेकिन हाँ वो आजकल परेशान बहुत रहते थे। आपने किसी पे, किसी के साथ वो फोन पे बात करते हुए सुना या ऐसे कुछ बात करते हुए सुना कभी? मैंने उनको किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था, कह रहे थे कि दिमाग ने परेशान किया है, दिमाग ने ये सब कुछ किया है। और अभी इनके दिमाग में खून जाना बंद हो गया। सर कोई कनेक्शन तो नहीं है? नहीं पूर्वी, कोई कनेक्शन नहीं है, दिमाग से कोई कनेक्शन नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। मुझे पता है इसका जवाब कहां मिलेगा। आपने कभी पूछा नहीं कुणाल जी से कि वो किस स्टोरी पे काम कर रहे थे? सर इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक साथ 50 स्टोरियों पे काम करते हैं। मैं तो उनसे कहता था कि जो भी स्टोरी अच्छी लगे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे पता है सर कुणाल सर किसी छोटी मोटी स्टोरी पर काम ही नहीं करते, और जब भी लाते हैं एकदम बड़ी स्टोरी लेकर आते हैं, सेंसेशनल स्टोरी सर। कुणाल का कैबिन कहाँ है? ये रहा सर, आइए। सारे पेपर्स, गया ये कुणाल कह रहा था कि 6 साल पहले किसी केस के बारे में उसे सनसनीखेज इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे शक हो रहा है कि कहीं इसी 6 साल पहले वाली स्टोरी की वजह से उसको। सर अगर ऐसा है तो हमें यहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलना चाहिए। हाँ देखते अच्छी तरह से, देखो सर, यहाँ इस पेज पे कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए हैं। ये कुणाल ऐसे तो लिखता था, अपनी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऐसे ही कोड लैंग्वेज में लिखता था वो, ताकि किसी को पता न चले क्या कर रहा था, ये किसके पीछे पड़ा था। इस डायरी में ये अलग से मार्क किया हुआ है, ये 2016 की डायरी। दया ये सारी इंफॉर्मेशन उसी 6 साल पहले वाले केस के बारे में ही है। पंकज, ये सारी की सारी चीजें इकट्ठा कर लो, फिल्म सब कुछ, और ले चलो ब्यूरो। क्या कर क्या रहा था ये?
एक्यूपंक्चर क्लिनिक, ये देखो जरा, डॉक्टर धीरेन्द्र एक्यूपंक्चर क्लिनिक। सविता भाभी सही कह रही थी, कुणाल किसी तो टेंशन में था, इसीलिए तो ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ले रहा था। किस बात का टेंशन हो सकता है? ये तो दया डॉक्टर धीरेन्द्र ही बता सकता है। वो आए जरूर थे पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं, लेकिन वो ची के बारे में जानकारी चाहते थे। कौन ची? कौन नहीं, क्या? दरअसल चाइनीज में एनर्जी को ची कहते हैं। लेकिन कुणाल जी ये सब जानने क्यों आए थे? दरअसल कुणाल जी एक्यूपंक्चर के बारे में नहीं, दिमाग के बारे में जानना चाहते थे। दिमाग के बारे में? दिमाग नहीं, दिमाग। दिमाग? वो आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा बोलते थे, दिमाग। सविता जी कह रही थी कि कुणाल जी भी कुछ दिमाग दिमाग कह रहे थे, तो कहीं वो दिमाग तो नहीं कह रहे थे? ये दिमाग होता क्या है? प्राचीन मार्शल आर्ट में सिखाया जाता था कि हमारी बॉडी में हार्ट, ब्रेन, लिवर, सभी के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, एक्यूपंक्चर के अलग, दिमाग के अलग। एक्यूपंक्चर में पॉइंट पर प्रेशर डालने से बीमारी को ठीक किया जाता है, जबकि दिमाग में पॉइंट पर प्रेशर डालने से बीमार किया जाता है या जान से मारा जाता है। दिमाग को टच ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रूस ली की मौत भी इसी से हुई थी। ब्रूस ली? आपको आता है ये दिमाग? नहीं, पर मैं एक दिमाग एक्सपर्ट को जानता हूँ, शाओलिन कुंग फू मास्टर उत्कर्ष। एक्सक्यूज मी, आप उत्कर्ष हैं? जी कहिए। जी हम CID से, कुछ बात करनी है आपसे। आप कुणाल जी को जानते हैं? कुणाल जी? क्राइम जर्नलिस्ट, अभी कोमा में है वो। कोमा में? तो कैसे? हार्ट स्टॉपेज, ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था ठीक से। ओह माय गॉड, इसका मतलब कुणाल जी सही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि एक आदमी दिमाग से लोगों को मार रहा है। तब मैंने उनके बातों पर विश्वास नहीं किया। क्यों? दिमाग एक हजारों साल पुरानी आर्ट है। ये कला एक जनरेशन में से सिर्फ एक इंसान को सिखाया जाता है। बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी इस कला को सीख नहीं पाते। आपको आती है? नहीं, और ना ही पूरे इंडिया में किसी को आता होगा। इतना आसान नहीं। जरूर किसी ने दिमाग के ट्रिक से कुणाल के बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी डाला होगा। वो चाइनीज मार्शल आर्ट्स, वो सर, वो क्या होता है वो? जी जी, एक कुंग फू एक्सपर्ट हवा में से यांग एनर्जी और जमीन में से यिन एनर्जी को दोनों को कंप्रेस करके और पूरे ताकत के साथ सामने वाले बॉडी पे शूट करता है, सीधे डेथ पॉइंट पे। सॉरी, मतलब ये सब एक चाइनीज फिल्म लगती है। ये सर, ये सर क्या हुआ? ये है ब्रूस ली मूव। अरे अरे, इनको जल्दी ठीक करो, ये क्या कर दिया तुमने? रिलैक्स, ये एक दो मिनट में रिलैक्स हो जाएंगे। अपने मुट्ठी बंद करो। मास्टर, मास्टर जी प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए, इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज प्लीज जल्दी करिए। सॉरी सर, मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि ये कितना खतरनाक है। अच्छा, ये दिमाग का इफेक्ट निकालते कैसे? फिर से नॉर्मल कैसे होता है? सही वक्त पे, सही पॉइंट पे दबा कर उसके बॉडी का सारा एक्स्ट्रा एनर्जी निकालना होगा, तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो बचना मुश्किल है।
प्रतिपन भैया देखिए ना, वो डॉक्टर क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुणाल को कभी होश ही नहीं आएगा। आप कुछ करिए ना, ऐसे कैसे कह सकते हैं वो। सविता शांत हो जाओ, बैठो बैठो बैठो। देखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। अरे डॉक्टर साहब क्या, कुछ तो करिए ना, कुछ तो होगा जो आप कर सकते हैं इसके लिए। एसीपी साहब, हम जो कुछ भी कर सकते थे सब कुछ कर लिया हमने। इस सिंकिंग ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 6 प्लीज। मिस्टर कुणाल, मुझे उनसे मिलना है। कुणाल, तुम? अमीशा, तुम कुणाल को जानती हो? ऑफ कोर्स, वो मेरे मेंटर हैं, माय गुरु। कुणाल सर ने मुझे इंडिपेंडेंटली जीना सिखाया, वो भी अपने दम पे। कुणाल सर अगर मुझे घंटों तक ब्रेल नहीं पढ़ाते तो आज मैं लिटरेचर में एमए थोड़ी होती। अमीशा, तुमने एमए विद लिटरेचर किया, वो भी ब्रेल में पढ़कर? जी ब्रेल। हाँ अभिजीत, ब्रेल। सारे कोर्स कुणाल ने ब्रेल लैंग्वेज में लिखे हैं। लेकिन सर ब्रेल तो टॉर्च पे लिखी हुई होती है, वो भी स्पेशल पेपर पे। लेकिन कुणाल जी की डायरी तो प्लेन है, बिल्कुल सिंपल पेपर है। उसमें उसमें उन्होंने कुछ डॉट्स और कुछ सिंबल बनाए थे, ये कैसे ब्रेल हुआ? अभी बताता हूं। पंकज, एक चार्ट पेपर लेकर आ। आओ अमीशा। सर ब्रेल है। अब अमीशा बताएगी इसमें क्या लिखा है। अमीशा बताओ जरा। आर आर ए ए जे डी E, E, P, N, I, M, E, E, P, R, A, N, A, हाँ? V, V, राजदीप निमित्त और प्रणव। वाह सर, कुणाल जी तो बहुत ही जीनियस है। वो तो है। ये तीनों हो कौन सकते हैं जिनका नाम कुणाल जी ने इतनी सीक्रेटली डायरी में लिखा हुआ था? अभिजीत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये तीनों नाम, ये राजदीप निमित्त और प्रणव, कहीं ना कहीं तो सुने हैं। कहां पर? पंकज काम करो, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो ये तीनों नाम निकलते हैं क्या उसमें। सर मैंने अपना काम कर दिया, अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, मुझे कुणाल सर को मिलना है। हाँ मगर अमीशा, हम सब की तरफ से थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होती तो ये कोडवर्ड हम डिकोड नहीं कर सकते। थैंक यू। पूर्वी, अमीशा को ले जाओ हॉस्पिटल, संभाल के ले जाना और कुणाल से जरूर मिलवाना। थैंक यू अमीशा। देख देना या सर। हाँ हमारे रिकॉर्ड में ये कोई भी नाम नहीं है सर। रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये नाम मैंने सुने हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इन तीनों का।
100% इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये जुवेनाइल क्राइम, बाल अपराधियों की लिस्ट चेक करो। सर इस केस में क्रिमिनल्स के नाम रिकॉर्ड में नहीं लिखे जाते। सर सर मिल गया सर। सर जुवेनाइल केसेस में तीनों के नाम रजिस्टर्ड है, राजदीप, प्रणव और निमित। जुवेनाइल होम। राजदीप, निमित और प्रणव, तीन लड़के यहाँ याद है? हाँ सर, 7 साल पहले इनको यहाँ डाला था। किसी लड़की को लेकर कुछ हुआ था, कुछ बड़ा केस था सर। क्या केस क्या था, कुछ पता है आपको केस क्या था? सर ये केस 6-7 साल पहले का है और मुझे आए यहाँ सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। मेरे पहले का इंचार्ज इस केस को देख रहा था। वो इंचार्ज कहाँ है, कुछ पता है आपको? सर उसका तो ट्रांसफर हो गया। अच्छा चलो, लेकिन तीनों लड़कों के बारे में किसी ने तो बात की होगी, कुछ तो सुना होगा आपने है? इन तीनों के साथ में एक लड़की भी थी सर, कुछ तो हुआ था उसके साथ में। फिर 6 महीने तक ये लोग यहाँ पर थे और शायद 2011-12 में इन लोग यहाँ से छूट गए। और कुछ याद आता है आपको? इन तीनों के अलावा सर एक लड़का और था, ईशान, वो लड़की उसके साथ थी। कुछ तो हुआ था सर। क्या क्या हुआ था सर? कुछ याद नहीं। अच्छा नाम क्या है उस लड़की का? नाम याद नहीं सर, लेकिन वो लड़की इस केस में मेन थी। अभिजीत, इस केस में वो लड़की ही मेन थी। पूरी कुणाल भी इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो यहां आया क्यों? निधि, आप लोग? निधि, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें पता था तुम यहीं मिलोगे। हाँ, जब भी मुंबई आती हूँ यहाँ जरूर आती हूँ, क्योंकि अगर आज ईशान नहीं होता ना तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। ईशान तुम्हारा दोस्त है, रिश्तेदार है? जी नहीं, रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे बीच एक रिश्ता जरूर था, 5 मिनट के लिए सही। लेकिन उस 5 मिनट में ईशान ने मुझ पर इतना बड़ा फेवर कर दिया कि मैं जिंदगी भर उसे नहीं चुका पाऊंगी। एक बात बताओ, तुम्हें याद है राजदीप, निमित और प्रणव? बिल्कुल याद है, मैं उन तीनों को कभी नहीं भूल सकती। क्या हुआ था एग्जैक्ट, बता सकती हो? 7 साल पहले की बात है, मैं कॉलेज जा रही थी एंड आई वॉज लेट। रिक्शा, चल बाहर, चल आइए, निकल, चल आइए आइए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। हाय ब्यूटीफुल, नीड अ लिफ्ट? लुकिंग हॉट। अरे बाप रे, मारती भी है। प्रॉब्लम क्या है यार तुम्हारी? ओहो, एटीट्यूड। ईशान फिर अकेले उन तीनों से लड़ पड़ा सिर्फ मेरे लिए। क्या प्रॉब्लम है? ए हीरो, ए तू निकल यहां से और सुन, ये हिकड़ी अपने साथ लेकर जा, समझा ना? एक बार बोल रहा हूं, निकल यहां से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। तुझे देख लूंगा, बोला ना, चल। राज, देख लूंगा राज, चल चल, बाद में देखेंगे इसको। हे, आर यू ओके?
Yeah, I'm fine. By the way, I'm Ishan. I'm Nidhi. Thank you. It's thank okay. you so much. ईशान को बुरी तरह मारा और आज मेरी वजह से ईशान कोमा में चला गया। मेरी वजह से आज इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली ईशान को। और उन तीनों का क्या हुआ? कुछ नहीं। पर वो तीनों तो जेल गए थे ना? सजा हुई थी ना उनको? हाँ, लेकिन बस कुछ महीनों के लिए। उसके बाद वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले गए। अच्छा, वो तीनों कहाँ होंगे इस वक्त? कुछ पता है तुम्हें? अब्रॉड जाने के बाद उन तीनों का कोई अता पता नहीं है। ईशान से तुम्हारे अलावा और कोई मिलने आता है? हाँ, ईशान के डैड रेगुलरली आते हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो आए नहीं। उसके अलावा तो और कोई नहीं आता। कहाँ रहता है ईशान? एड्रेस है तुम्हारे पास? जी हाँ। पूर्वी, रेडी सर। सर, सर तीनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी है मैंने सर। सर ये देखिए, ये राजदीप और ये निमित, सर इन दोनों की मौत हो चुकी है। क्या? हाँ सर, ये देखिए इनके प्रोफाइल पे कंडोलेंस है। ये राजदीप सर, ये 20 दिन पहले मुंबई आया था और अचानक हार्ट स्टॉपेज हो जाने की वजह से इसकी डेथ हो गई। और ये दूसरा निमित सर, सर ये 10 दिन पहले मुंबई आया था और इसकी मौत हो गई ब्रेन हैमरेज की वजह से। और उसके कुछ दिन बाद कुणाल जी पे हमला हुआ, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? सर शायद कुणाल जी समझ गए होंगे कि ये दोनों नेचुरल डेथ से नहीं डिमक से मरे। हाँ सर, शायद कुणाल जी को पता चल गया होगा कि राजदीप और निमित को किसने मारा है। इससे पहले कि वो किसी को बताते, उन पे ही किसी ने अटैक कर दिया। और वो लड़का प्रणव, उसका क्या? सर वो आज शाम अब्रॉड से मुंबई आ रहा है। सर मतलब उसकी जान को भी खतरा है? सर इन्हें इन्हें मार कौन रहा है? वैसे ईशान और उसके पिताजी गौतम यहीं रहते थे ना? जी सर। कैसे लोग थे वो, कुछ बता सकती है? सर दोनों ही दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, खासकर गौतम जी। मैं तो उनकी पड़ोसी हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये गौतम जी आर्मी ऑफिसर थे क्या? जी हाँ सर, तभी तो इतने डिसिप्लिन थे। और हमेशा कहते हैं कि ना किसी का बुरा करो ना किसी का बुरा होने दो। इनफैक्ट उनका बेटा ईशान बिल्कुल उन्हीं की तरह है सर। वैसे गौतम तो यहाँ रहते नहीं है, है ना? कहाँ हो सकते हैं, कुछ पता है आपको? जी नहीं सर, दरअसल वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे, रात रात भर जागते रहते थे, सोते नहीं थे। और अचानक एक दिन वो गए तो फिर लौट कर ही नहीं आए। कुंग फू कोर्स चाइना सर? हाँ सर, ये गौतम तो कुंग फू मास्टर है। शाओ टेंपल चाइना से, वहां से एडवांस कोर्स किया है इसने। सर वो तो कई सालों से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनफैक्ट वो सोसाइटी के बच्चों को ट्रेन भी किया करते थे सर। कमाल है सर, पूरे घर में गौतम जी की एक भी फोटो नहीं है। वही तो अभिजीत दिमाग, दिमाग के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और कोई नहीं गौतम ही है। गौतम, अब समझ में आ गया इसने राजदीप और निमित को क्यों मारा। इन सबको वो सोशल प्रोफाइल पे फॉलो कर रहा था। हाँ। उसे मालूम था कब कौन कहाँ पे है। और जैसे ही उसे पता चला कि कुणाल जी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और निधि से मिलने के लिए वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए, तो उन पे भी हमला कर दिया। अब सारा चक्कर साफ हो गया। हमारा खूनी और कोई नहीं, गौतम ही है। गौतम सर, प्रणव की जान को खतरा है, इस गौतम को रोकना पड़ेगा। सर
मैं कब से पूछ रहा हूँ आप हो कौन, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सीआईडी, सब पता चल जाएगा। देखो प्रणव, किसी भी हाल में हमें गौतम को पकड़ना है, इसलिए जैसा हम कह रहे वैसे करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, 24 घंटे सीआईडी ऑफिसर तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, समझे? प्रणव, ये नजर इधर उधर दौड़ाना जरा बंद कर दो और सीधे खड़े हो जाओ, चिप साथ निकालो, समझे? तुम्हें यह करना है कि अपने सोशल प्रोफाइल को अपडेट करते रहना है कि तुमने सुबह जॉगिंग कितने बजे किया और तुमने ब्रेकफास्ट कितने बजे खाया, सारी डिटेल्स, ठीक है? बट मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि गौतम तुम्हें मारना चाहता है, जैसे उसे पता चलेगा तुम कहां हो तुम पे हमला करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये गौतम है कौन और ये मुझे मारना क्यों चाहता है? सब पता है तुम्हें, बच्चा बनने की कोशिश मत करो, समझे? और हाँ, हर घंटे अपनी प्रोफाइल अपडेट करते रहना ताकि गौतम को पता चले तुम्हारी हर एक एक्टिविटी के बारे में। हमें गौतम चाहिए किसी भी हाल में। एक्सरसाइज कर करके थक गया है, अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया है। आंखें खुली रखकर एक्सरसाइज कर रहे थे ना? अरे हाँ, हाँ सर। सोए तो नहीं थे? अरे नहीं। जाओ, ध्यान रखना, नजर खुली रखो। हाँ, हाँ दया। नहीं सर, अभी तक तो कोई हलचल नहीं, सब क्लियर है। अभिजीत? अभी तो कहीं देखा नहीं। अबे कर क्या रहा है? हाँ, एक्सरसाइज कर, देख कितना फिट हूँ, ये ले। एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज की एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे एक्टिंग के साथ साथ एक्सरसाइज भी क्या करो, समझे? वो तो काम एक साथ नहीं होता मेरे से, एक काम बोलिए। अरे पहलवानों, काम पे ध्यान दो। मैं जा रहा हूँ, मुझे मरवा दोगे जबरदस्ती। सर 15 राउंड मार लिया सर, बहुत प्यास लग रही है सर, वहां छांव में बैठ जाओ सर 5 मिनट। सो जाओ। सोना नहीं सर, मैं थोड़ी देर रेस्ट। दे उड़ी वाला। यस सर। ये नहीं, नहीं सर, ये वो नहीं है।
गौतम दया गौतम क्यों गौतम तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे कौन गौतम छोड़ो मुझे मेरा नाम तो शशि है बकवास बंद तुम अगर गौतम नहीं तो फिर ये जैकेट तुम्हारे पास कैसे आया ये तो एक आदमी ने दिया मुझे ठंडी लग रही थी रेडी पकड़ो से प्रणव प्रणव पंकज सर गौतम मर जाएगा ही इसे ठीक करो इसे नहीं क्या कर दिया तुमने इसके साथ मर जाएगा ये ठीक करो इसे आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए मैं इसे ठीक कर दूंगा बोलिए कर सकते हो अब ईशान को ठीक दे सकते हैं मेरे ईशान की जिंदगी उसे वापस दे सकते हैं देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ इसको इसके किए की सजा मिलेगी ईशान को इंसाफ मिलेगा लेकिन इसको बचा लो तुम अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है एक अच्छे इंसान की तरह सोचो बचाओ इसे सॉरी इसे भी एक पाप बनकर मैंने अपने बेटे को इंसाफ दिलाया अब एक आर्मी ऑफिसर बनकर मैं सच का भी साथ दूंगा राजदीप निमित और प्रणव इन तीनों के मर्डर के लिए मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं गौतम बचाओ इसे अपना पागलपन छोड़ दो देखो गौतम जिंदगी भर जेल में सड़ते बैठना पड़ेगा ईशान के बिना जिंदगी बची कहां है प्रणव नहीं सर ही इज नो मोर क्या किया तुमने बस जेल जाने से पहले एक आखिरी काम करना चाहता हूं कुणाल अरे सविता भाभी है यार मुस्कुराओ तो प्रतिपत भैया आज मेरा कुणाल आप ही के वजह से यहाँ है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अरे नहीं नहीं भाभी कैसी बातें करती हैं ये तो हमारा फर्ज है और फिर ये बंदा तो हमारा दोस्त है इसे ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे हम कुणाल तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी मेरी दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं थी बल्कि वो तीन लड़कों के साथ थी और मुझे डर था कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान कहीं चौपट ना हो जाए इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया आई एम रियली वेरी सॉरी दुश्मनी चाहे किसी के साथ भी होगा पर किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं बहुत बड़ी गलती की है तुमने तीन तीन लोगों की जाने ली अब किए हुए कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ेगी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़